है गाइस, वेलकम टू द सारी किचन में आपका स्वागत है। सो आज हम बनाने जा रहे हैं नवाबी सेमई। तो हम बताएंगे इसका रेसिपी कैसे हमें बनाना है। बनाना बहुत ईजी है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है दोस्तों। एक बार ज़रूर आप पूरा वीडियो भी देखिए और ज़रूर ट्राई कीजिए आप। ये मैं घी डाली हूँ थोड़ा सा, एक चम्मच, और इसको डाल के हमें और ब्राउन करना है। हल्का ब्राउन मतलब हाँ सेमई करना है। अब इसे डाल के हम और लो फ्लेम पे हमें इसे ब्राउन करना है। ये हम डाल दिए सेमई। अब इसे हम करेंगे हल्का करके हम चलाएंगे इसे, पहले धीरे धीरे इसको चला के चम्मच से हम ब्राउन कर लेंगे। जब तक कि नहीं ब्राउन ना हो जाए हमें चलाते न जाना इसमें। ये देखिए करते करते हमें इतना तक आ गया है। अभी हम थोड़ा सा और हमें करना है। और ये मैं खोवा ली हूँ और इसमें ड्राई फ्रूट भी है। 200 ग्राम से 250 ग्राम मेरा सेमई है और ये मेरा 200 ग्राम से थोड़ा से कम खोवा है और 50 ग्राम ले मेवा है ड्राई फ्रूट। और इसमें हम 1 लीटर ले दूध ऐड किए थे जो हमें इसमें डाल के सब हम खोवे में हमें इसे अच्छे से चलाना है जब तक मेरा ये डार्क ना हो जाए। अब इसे हम पकाएंगे। मैं शक्कर ली हूँ 100 ग्राम से ज़्यादा है थोड़ा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आपको जैसा मीठा पसंद हो वैसे आप डालिए। अब इसको डाल के हम चलाते रहेंगे। और ये हम एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर हम डाले हैं, एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर एक चम्मच डालें। उसे हम धीरे धीरे चलाते जाएंगे जब तक मेरा डार्क ना हो जाए। और ये मेरा सेमई देखिए हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और हम इसे बताएंगे आपको कैसे बनाना है। इसको डाल दिए हैं सेमई को, उसी में बराबर कर दिए हैं। अब इसे हम थोड़ा से घी डालें। छोटी इलायची है दो कुटी हुई है। अब ये मेरा हो गया। अब इसमें काजू बादाम हम जो लिए थे अब उसको हम हल्का ब्राउन करेंगे। सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये मैं थोड़ा से वेनीला डाले हैं। ये मैं थोड़ा से कलर डाली हूँ, आपको ऑप्शनल है। आपको पसंद है तो डालिए कलर और नहीं पसंद है तो मत डालिए। मैं थोड़ा सा डाली हूँ कलर के हिसाब से। इतना गाढ़ा होना चाहिए जो हो गया है उसमें हम उतना। अभी से हम बंद कर दिए हैं गैस और इसे हम ये जितना ठंडा होते जाएगा दोस्तों उतना वो डार्क होते जाएगा। अब ये हम सेमई डाल दिए थे पहले से, अब हमें डालना है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है दोस्तों, एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम सेमई डाल देंगे, वो थोड़ा ड्राई फ्रूट डालेंगे, सेमई अब डाल देंगे इसको। अब हमें इसे वो जो मलाई हमने बनाया है अब उसमें हम अच्छे से डाल देंगे। ये देखिए अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल के चलाएंगे। अब ऐसे बीच से हम इसको कर लेंगे, कट लगा लेंगे और उसको हम निकाल के सर्व करेंगे। ये देखिए मेरा हो गया है। जितना ज़बरदस्त दिख रहा है दोस्तों उतना ही खाने में ही बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। ये मैं थोड़ा गार्निश के लिए केसर डाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।